बेमौसम वर्षा से पीड़ित किसानों को मदद देगी सरकार। आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 3 दिनों पहले बिहार में वर्षा होने से फसलों को नुकसान हुआ है। लोग चिंता नहीं करें, जो भी क्षति हुई है राज्य सरकार उसके लिए हर संभव मदद देगी। हमने फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश पदाधिकारियों को दे दिया है। हमारा मानना है कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को कैमूर के भगवानपुर प्रखंड के मुंडेश्वरी धाम परिसर में जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन में आम जनों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2007 में 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, बाद में कोसी त्रासदी आई, कई जिलों में सूखे की स्थिति बनी, हर हालत में आपदा पीड़ित की सहायता की गई। हम लोग ने सरकार में आने के बाद आपदा प्रबंधन नीति बनाई। बाढ़, सुखाड़ और कम बारिश होने के कारण इस वर्ष कुल 41,50,000 आपदा प्रभावित लोगों को 2,213 करोड़ 60 लाख की सहायता दी गई। इसके अलावा इनपुट सब्सिडी के तहत सहायता उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि आपदाओं का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन भी है। बिहार में मानसून की समयावधि में भी बदलाव आया है। जहां पहले औसत वर्षा 1200 से 1500 मिमी तक होती थी, वहीं पिछले 13 वर्षों की औसत बारिश 901 मिली हो गई है। इस खतरे से आमजनों को बचाने के लिए मैं जल जीवन हरियाली को मिशन मोड में चलाने का निर्णय लिया हूं। इसके तहत तालाब, कुओं, पोखर, आहर, पाइन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित होंगे। अगले साल एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जल स्रोतों के पास सोख्त बनवाए जाएंगे। आमजनों को भी अपने घरों व उसके आगे सोख्ता बनवाना चाहिए। जल जीवन हरियाली अभियान पर 3 वर्षों में 24,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, जल जीवन हरियाली आज के समय में प्रासंगिक हो गया है। फसल अवशेष से भी होगी आमदनी। बिहार में पहले 9% हरियाली भी पौधरोपण कर 15% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुसार फसल चक्र भी होना चाहिए। फसल अवशेष को खेतों में नहीं जलाएं, इससे खेतों की उर्वरता शक्ति छीन हो रही है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। फसल अवशेष से चारा बनाने की योजना पर काम कर रहे कहा कि बाल विवाह से मृत्यु दर बढ़ी, इसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, इसमें हमें रोकना चाहिए, दहेज प्रथा को मिटाना है। CBSE 10वीं व 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से 20 मार्च और 12वीं बोर्ड की 15 फरवरी से 30 मार्च तक चलेगी। परीक्षा हर दिन एक पाली में होगी। सुबह 10:30 बजे से परीक्षा संचालित होगा। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। बोर्ड की माने तो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 10:15 से 10:30 बजे तक का समय दिया जाएगा। शुरुआत में वोकेशनल विषयों की परीक्षा होगी। 10वीं बोर्ड के मुख्य विषय की परीक्षा 26 फरवरी को अंग्रेजी विषय से शुरू होगी। बिहार के सभी सरकारी भवन 90 दिनों में होंगे भूकंपरोधी। बिहार के सभी सरकारी भवनों को भूकंपरोधी बनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर भवन निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है। एजेंसी का चयन शुरू कर दिया गया है। चयनित एजेंसी को काम शुरू करने के 90 दिनों के भीतर भवनों को भूकंपरोधी बनाना होगा। नीतीश का धर्म निरपेक्षता का दावा खत्म। नागरिकता संशोधन कानून CAA के मसले पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। मंगलवार को ट्वीट कर CM पर आरोप लगाया कि उन्होंने समाजवादी चरित्र पहले ही खो दिया था। CAA का समर्थन करने से उनका धर्मनिरपेक्षता का दावा भी समाप्त हो गया। लालू ने कहा कि केवल सांप्रदायिक सांपों से देश के बहुरंगी सामाजिक ताने बाने और संविधान को बचाने के लिए नीतीश कुमार को CM बनाया था, लेकिन आज उन्होंने CAA का समर्थन कर सभी का विश्वास तोड़ा है। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कविता के अंदाज में तंज कसा, कहा कि जो किसी भी मुद्दे पर नहीं बोले, आंखें से कुछ नहीं देख रहे हो, CAA और NRC पर मौन है, ऐसे शख्स की पहचान करिए। कहा कि बिहार के हर कोने में लड़कियों को जलाया जा रहा है, अराजकता की पराकाष्ठा है, विधि व्यवस्था ध्वस्त, अपराधियों बलात्कारियों के आगे जनता पस्त हो गई है, फिर भी सरकार खामोश है। मुजफ्फरपुर में जिंदा जलाई गई छात्रा की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने मंगलवार को पटना में सड़क व रेलवे ट्रैक जमकर हंगामा किया। मंगलवार की सुबह ओपोल बर्न अस्पताल के पास राजधानी के पुराने बाईपास को जाम कर दिया गया। 3 घंटे तक ट्रेन का परिचालन बाधित रखा। उधर मुजफ्फरपुर में ही जमकर बवाल हुआ। जगह जगह जाम लगाकर लोगों ने प्रदर्शन किया। खपड़ा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लोगों ने पुलिस पर रोड़े बरसाए। पटना में बाईपास पर युवती के परिजन व लोग CM को बुलाने आरोपियों को फांसी
देने की मांग करते हुए पुरानी बाईपास से सटे ट्रैक को भी जाम किया। पटना सहित 7 जिलों की सड़कें होंगी और चौड़ी। राजधानी सहित राज्य के 7 जिलों की सड़कों को और चौड़ा किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए 156 करोड़ जारी कर दिया है। इस पैसे से लगभग 65 किलोमीटर सड़कों को और चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा 2 पुल का भी निर्माण होगा। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि पटना के अलावा पूर्वी चंपारण, दरभंगा, नवादा, गया, जहानाबाद और खगड़िया की सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। दरभंगा की 3 सड़कों के लिए 75 करोड़ 84 लाख की स्वीकृति दी गई है, जबकि पूर्वी चंपारण को सड़कों के लिए 11 करोड़ 7 लाख, खगड़िया की 2 सड़कों के लिए 17 करोड़ 71 लाख की मंजूरी दी गई है। के अंचलों में बहाल होंगे 3738 ऑपरेटर। राज्य के सभी अंचल कार्यालयों को कामकाज की दृष्टि से मजबूत किया जाएगा। राजस्व कार्यों को सुगम बनाने के लिए हर अंचल में 7 नए डाटा ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। कुल 534 अंचलों में 3738 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी भू अभिलेख सर्वे चकबंदी के परिप्रेक्ष्य में आयोजित सेमिनार के समापन दिवस पर दी। कहा कि हर अंचल में बहाल होने वाले नए ऑपरेटरों में 4 ऑपरेटर डाटा सेंटर पर और 3 अंचल कार्यालयों में काम करेंगे। इस बहाली के लिए राज्य सरकार से सहमति मिल चुकी है। कहा कि हल्का कर्मचारियों और अमीनों की कमी दूर की जा रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार संयुक्त परीक्षा परिषद में 4353 कर्मचारियों और 1737 अमीनों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। कहा कि दोनों तरह के कर्मी अगले वर्ष मार्च तक विभाग को उपलब्ध हो जाएंगे। कहा कि अपर समाहर्ताओं को जिला स्तर पर जिला निकायों के अतिक्रमण के मामलों की नियमित समीक्षा करनी है। अतिक्रमण हटाने के लिए अफसरों को अलग से राशि दी जाएगी। मौके पर भू अभिलेख व परिमाप निदेशक जय सिंह ने कहा कि ऑनलाइन म्यूटेशन व लगान की शिकायतों को दूर करने की नई व्यवस्था भी की जाएगी।